ન્યૂઝ પ્લસ ચેનલના આમને સામને કાર્યક્રમમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. હું છું જીતુભાઈ પંડ્યા. આજે મારી સાથે બેઠા છે વડોદરા જિલ્લાના BSNLના પ્રિન્સિપલ જનરલ મેનેજર શ્રી રમાકાંત શર્માજી. શર્માજી, આપકા સ્વાગત હૈ હમારે કાર્યક્રમ. ધન્યવાદ, નમસ્કાર સબકો. શર્માજી, હમ વહાં સે શરૂ કરેંગે. યે ITS ક્યા હૈ? ITS એક્ચ્યુઅલી ઇન્ડિયન ટેલિકોમ સર્વિસ હૈ, ઇસકા ફુલ ફોર્મ. और बेसिकली ये जो UPSC से रिक्रूट होता है, रिक्रूटमेंट तो जो डायरेक्ट रिक्रूट होते हैं UPSC के इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के थ्रू, तो उसमें जो कैडर कहलाता है, जैसे कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विस है, वैसे इंडियन टेलीकॉम सर्विस है, IAS है, IPS है, वैसे इंडियन टेलीकॉम सर्विस है. UPSC से ही आप आते हैं? जी हाँ, UPSC से आते हैं. ये डायरेक्ट क्लास वन में जो रिक्रूटमेंट, हमारे जो बच्चे हैं वो जानते नहीं है कि ATS सर्विस भी है. हाँ, ITS सर, ITS सर्विस भी है. ज्यादातर हम IAS IPS की बात करते हैं, क्योंकि IAS IPS नॉर्मली क्या होता है कि उसका सेंट्रल गवर्नमेंट से एग्जाम होता है और स्टेट में पोस्टेड होते हैं. हमारा ये कि वी आर प्योरली पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हमारा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में रिक्रूटमेंट होता है, के थ्रू होता है रिक्रूटमेंट. यूपीएससी में हाँ, जैसे कि रेलवे सर्विस है, होना पड़ता है. हाँ, जैसे इंडियन रेलवे सर्विस है, उसमें क्लास वन होता है, और जैसे टेलीकॉम है तो इंडियन टेलीकॉम सर्विस. शर्मा जी, हम बड़ौदा के दर्शकों की ओर से आपको ये पूछना चाहते हैं जी कि BSNL जब बना जी, जी बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी लेके आई है BSNL जी, तो पहले जो था टेलीफोन वो ब्लैक काला वाला डबला, हाँ, और आज के BSNL में क्या डिफरेंस है? नहीं जी, देखिए अब तो बहुत रात दिन का डिफरेंस हो गया. पहले ये था जो टेलीफोन का डब्बा बता रहे, बेसिक टेक्नोलॉजी थी, और अभी जो टेक्नोलॉजी है, बेसिक टेलीफोन तो है एज इट इज, पर जो बैकबोन पोर्शन है वो चेंज हो गया. जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज आ गए. पहले एक फुटबॉल के ग्राउंड जितना रूम में करीब 8-10 हज़ार लाइन के एक्सचेंज आते थे, अब एक इस ये जो छोटा सा रूम है 10x12 का, उसके अंदर 20-25 हज़ार लाइन का एक्सचेंज आ जाएगा. तो एक तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज हो गए हैं, लेटेस्ट फैसिलिटीज़ हो गई है, वॉइस वीडियो डेटा उन सब का समावेश हो गया. क्योंकि आजकल जो भी कोई इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है, उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ टेलीफोन से बात करना, उसका मतलब कि आप वीडियो बात भी कर सकते हैं, आप डेटा भी भेज सकते हैं, आप ब्रॉडबैंड सर्फिंग भी कर सकते हैं. तो ये जो कंसेप्ट है आजकल, वॉइस वीडियो डेटा का कंसेप्ट आ गया, जो कि टोटल इंटीग्रेटेड कंसेप्ट आ गया. शर्मा जी, ये टेलीफोन के जो ग्राहक है आपके, बेसिक जो आपकी आपका जो सर्विस है जी, टेलीफोन का जी, उसमें क्या स्पेशलिटी है, अभी क्या नई बातें इंट्रोड्यूस हुई है? देखिए आजकल जैसे कि BSNL का ब्रॉडबैंड सर्विसेज है, बहुत पॉपुलर है इंडिया में. अभी जैसे इंडिया की ग्रोथ पोटेंशियल है, ब्रॉडबैंड का बहुत स्कोप है, और जितनी कंट्री डेवलप होती है उतना ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन बढ़ता है. तो जो इंडिया में ब्रॉडबैंड का पेनिट्रेशन बढ़ाना, और इसके लिए काफ़ी पोटेंशियल है. और जो BSNL की ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं, जैसे कि बड़ौदा में आज मेरे पास में करीब 40,000 के करीब कस्टमर हैं ब्रॉडबैंड के. तो जो ब्रॉडबैंड की सर्विसेज है बहुत पॉपुलर होती जा रही है, और जो BSNL का ब्रॉडबैंड है वो रियल ब्रॉडबैंड है. एक्चुअल में ब्रॉडबैंड का ऑल ओवर इंटरनेशनल डेफिनेशन क्या है, 256 KBPS जो स्पीड होती है मिनिमम, या उससे ज़्यादा मिनिमम, जो कि सिर्फ BSNL ऑफर कर रहा, और कोई ऑफर नहीं कर पा रहा. और इसलिए जो स्पीड है ब्रॉडबैंड की BSNL में, जो कि हम दे रहे हैं लैंडलाइन पे, बहुत फास्ट है. उसकी स्पीड बहुत ही मतलब ज़बरदस्त स्पीड है. जो एक बार यूज़ करता वो उसका काफ़ी फैंसी हो, मतलब काफ़ी उसका वो प्रिय हो जाता BSNL का प्रोडक्ट. शर्मा जी, मैं खुद एक आपका संतुष्ट ग्राहक हूँ. धन्यवाद. जो ब्रॉडबैंड है आपका, हाँ, हाँ, सही में बहुत अच्छा चल रहा है. यस यस. मगर उसमें क्या क्या स्कीम है पब्लिक के लिए, उसमें क्या फ़ायदा है आपका BSNL का? नहीं, स्कीम में जैसा आपको बताना चाहूँगा, उससे पहले जैसा आपने बताया कि आप संतुष्ट हैं, तो उसमें एक टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा योगदान है. क्योंकि हमारे पास में कॉपर केबल अवेलेबल है, जो कि कॉपर केबल किसी भी दूसरे ऑपरेटर के पास में अवेलेबल नहीं है. पूरे बड़ौदा में हमारा कॉपर केबल शुरू से बिछा हुआ है, और जो कॉपर केबल पर बैंडविड्थ मिलती है वो अनलिमिटेड बैंडविड्थ होती है. तो उस टेक्नोलॉजी की वजह से जो BSNL का, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है. आज दूसरा आपने जो स्कीम के बारे में पूछा, तो जो लैंडलाइन ब्रॉडबैंड है उसके अंदर स्कीम में जैसे मिनिमम जो हमारा रेट है 250 रुपीज़ है, 1 GB का सर्फिंग है, और उसके बैंडविड्थ है. उसके बाद में जैसे 499 है, उसमें 256 KBPS अनलिमिटेड प्लान है. 500 में अप टू 2 MBPS में करीब जो 500 है उसके अंदर 2.5 GB मिल जाएगा. तो वेरियस जी हाँ, रिक्वायरमेंट है जितने रिक्वायरमेंट है एग्जैक्टली. जैसे 690 के अंदर भी अनलिमिटेड मिलता है, 750 में थोड़ा सा और हायर स्पीड अनलिमिटेड मिल जाएगा. तो ये जो लैंडलाइन ब्रॉडबैंड पे बहुत सारे प्लान अवेलेबल है. उसके अलावा आजकल जो अभी नई चीज़ है, प्रीपेड ब्रॉडबैंड सर्विसेज, वो भी हमने लॉन्च किए, करीब 6 महीने हो गए इसको प्रीपेड ब्रॉडबैंड सर्विसेज को लॉन्च किए हुए. काफी मोबाइल में होता है, आपको एडवांस में पैसे भरने हैं. एग्जैक्टली आपको जब पूरा हो जाएगा आपका पैसा, यस यस, तो आपकी सर्विस
मतलब आपका बजट लिमिटेड है, बजट लिमिटेड है। जैसे कई बार ब्रॉडबैंड में ये होता है कि पोस्टपेड में पता नहीं चलता, आप देखते हैं अपना यूसेज वगैरह देखते नहीं है। आजकल बच्चे काफी अपलोड डाउनलोड वगैरह करते रहते हैं, मूवीज वगैरह रात को ऑन कर दिया, डाउनलोडिंग होता रहता, सुबह जाके वो मूवी डाउनलोड हो गई, पेरेंट्स को पता नहीं है, बहुत सारे डेटा कंज्यूम हो गए, फिर कस्टमर कहता मेरा बिल आ गया। तो उसके लिए प्रीपेड ब्रॉडबैंड सर्विसेज बहुत पॉपुलर हो रही है, क्योंकि उसके अंदर आप अपना बजट कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या और शुरू होता है प्रीपेड में? प्रीपेड भी करीब 250 रुपीज है, पर मिनिमम 100 रुपीज का भी रिचार्ज कूपन मिल जाता है मिनिमम। तो आप 100 रुपीज का भी रिचार्ज कूपन ले सकते हैं, और आपका ग्रेस पीरियड भी 15 दिन का मिलता। तो प्रीपेड में आप अपना बजट कंट्रोल कर सकते हैं, ग्रेस पीरियड भी जब आपको यूज नहीं करना तो आप वो अवेल कर सकते हैं। जो लिमिटेड रिक्वायरमेंट वाले क्लाइंट है जी, जी, उनके लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ नहीं, लिमिटेड इवन हायर यूसेज के लिए, हायर यूसेज के लिए प्रीपेड में एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जैसे पोस्टपेड में क्या होता है कि जब आपकी लैंडलाइन फिक्स हो गया आप उसी से कर सकते हैं, पर प्रीपेड में मैं आपके घर आया तो आपके घर से भी यूज कर लूंगा, किसी और के यहाँ उसके यहाँ से भी, क्योंकि पासवर्ड मेरा हो गया, पर्सनलाइज पासवर्ड हो गया, तो आई कैन यूटिलाइज इट ऑन एनी लैंडलाइन। प्रीपेड का बाहर भी? हाँ हाँ प्रीपेड का, यस यस, क्योंकि जो हमारा पासवर्ड है वो पर्टिकुलर जो सेंट्रल सर्वर है उसमें रजिस्टर हो गया। तो कोई भी प्रोफेशनल भी है जो सर्विसेज देते हैं कंप्यूटर की, वो भी उनके लिए भी अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं भी यूज कर सकते हैं आने के बाद भी। जैसे इनका कहीं का बहुत टूरिंग जॉब होता, अब टूरिंग जॉब में ये है कि भाई कहीं भी किसी भी लाइन पे ब्रॉडबैंड का है तो उसका अकाउंट यूज नहीं करने का, आप अपना पासवर्ड देके यूज कर लें। हॉस्टल है, हॉस्टल के अंदर सपोज एक आपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लिया, बहुत सारे बच्चे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हॉस्टल में ये प्रॉब्लम होता है भाई किसको दे, यूजर नेम वगैरह दें, जिस बच्चे ने अपना अपना यूज किया उसका पैसा उसमें डेबिट होता गया। तो ये प्रीपेड का बहुत बड़ा एडवांटेज है। अच्छे क्लाइंट मिले इसमें? हाँ हाँ, प्रीपेड में हमारा बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, सर्विस अभी 6 महीने हुए लॉन्च हुए, तो अभी हमारे 4-5 हज़ार के करीब कस्टमर हैं, और धीमे धीमे सर्विसेज जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आ रही है पॉपुलर होती जा रही है प्रीपेड की। और क्या ये ब्रॉडबैंड क्या है सर? ब्रॉडबैंड जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ये 256 के ऊपर जो है, हाँ, और 256 के ऊपर स्पीड है, डेटा बेसिकली अपलोड डाउनलोड, मतलब अभी जो आप सर्विस दे रहे हैं हाँ, वो इंटरनेट की, वो ब्रॉडबैंड ही है? यस यस, वो ब्रॉडबैंड ही है। अभी आपकी जो सर्विस है वो जो exactly. भी सर्विस है BSNL हाँ, हाँ. मिनिमम वाली भी जो सर्विस है yes, yes. वो भी ब्रॉडबैंड, वो ब्रॉडबैंड है। जो लोग बोलते हैं कि भाई हमने कई बार काफी ऑपरेटर एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हैं हाँ. तो वो बोल देते हैं कि भाई 200 kbps पे अनलिमिटेड इतना पैसा दे दो, 80 kbps पे अनलिमिटेड इतना अपलोड डाउनलोड कर लो, और कस्टमर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, पैसे के चक्कर में चले जाता है, जब वो स्पीड इतनी स्लो होती है, इतनी स्लो होती है कि सिर्फ वो ईमेल के लिए यूजफुल रहेगा, वो भी पता नहीं कितने घंटे में इसको लगेगा। तो मतलब बेसिकली जो इंटरनेशनल डेफिनेशन है उसके हिसाब से जो क्वालिटी वो सिर्फ BSNL के पास में है, बाकी okay. कोई दावा जो है, बाकी किसी का दावा ठीक नहीं है इसके बारे में। ओके सर, अभी ये जो नई सर्विस आई है ब्रॉडबैंड के भी आगे मोबाइल सर्विस में, तो मोबाइल में क्या नई? तो वैसे आपसे बात हो रही थी अभी ब्रॉडबैंड की, तो ये था मैं आपको जो बता रहा था, ये वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस, सॉरी वायरलाइन ब्रॉडबैंड सर्विस बता रहा था। दूसरी सर्विसेज हैं जो कि आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है, वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विसेज। वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस के जैसे डेटा कार्ड होते हैं वो बहुत पॉपुलर हैं। तो जैसे कि बीच में एक CDMA टेक्नोलॉजी है, जैसे जैसे कि BSNL के कंपटीशन में कह सकते हैं टाटा का फोटोन है, रिलायंस के कार्ड हैं, ये सब बिक रहे थे, तो वो टेक्नोलॉजी है। उसके अंदर जो हमारे प्लान है इसमें CDMA टेक्नोलॉजी के अंदर, उसके अंदर हमारे जो 650 रुपीज़ में अप टू 2 Mbps अनलिमिटेड मिलता है, जो कि कोई ऑपरेटर नहीं दे रहा। अगर लोअर स्पीड चाहिए 144 kbps तो 350 में अनलिमिटेड BSNL दे रहा, जो कि कोई नहीं दे रहा। ये तो मैंने कहा CDMA टेक्नोलॉजी, बेसिक टेक्नोलॉजी। आजकल जमाना है 3G टेक्नोलॉजी का। 3G टेक्नोलॉजी जो कि आजकल आपको इतने अवेयरनेस होगा, न्यूज़ में भी बहुत आता है 3G का, तो 3G टेक्नोलॉजी के अंदर रियल में हाई बैंडविड्थ है और स्पीड जो मिलती है अप टू 2 Mbps 3G टेक्नोलॉजी में मिलती है। डेटा कार्ड अवेलेबल है, BSNL का कवरेज करीब 700 सिटी के ऊपर है ऑल ओवर इंडिया में। अब मैं बड़ौदा में जैसे बताऊँगा, बड़ौदा सिटी के अलावा पादरा है, बागोड़िया है, और पूरा छोटा उदयपुर से बड़ौदा का हाईवे हमने पूरा कवर किया, जो कि कोई ऑपरेटर नहीं कर रहा। हर एक ऑपरेटर का 100 से ज़्यादा सिटी से ज़्यादा कवरेज किसी का नहीं है। हमारा पूरे ऑल इंडिया में रोमिंग है, इसके लिए फ्री रोमिंग,
कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, 3G डेटा कार्ड आप लेके जाइए और फ्री रोमिंग है सब जगह, बॉम्बे, दिल्ली और ऑल ओवर इंडिया 3G का, और 700 सिटीज में अनइंटरप्टेड 3G का कवरेज है। 3G का जो कवरेज है वो मोबाइल के लिए है। जी हाँ, वो मोबाइल के लिए है। आप लैपटॉप है, जैसे मोबिलिटी है तो डेटा कार्ड आपने लगा लिया उसके अंदर, तो आप हैंडसेट से भी देख सकते हैं, पर आजकल डेटा कार्ड का ज्यादा चलन है, तो आपने डेटा कार्ड लगा लिया, प्लग इन प्लग आउट है, सिंपल लगा लीजिए और सर्फिंग करना चालू कर दीजिए। तो इस टाइप के हैं, और 3G के जो रेट्स हैं प्लान के वो भी काफ़ी रीजनेबल हैं, और आजकल तो अभी हमने डिस्काउंट ऑफर वगैरह भी लॉन्च किया। पर बीच में सर आपके मोबाइल के कार्ड भी नहीं मिलते थे, लोगों को शॉर्टेज पैदा हो गई थी, अब क्या हालत है? दैट वाज लॉन्ग बैक एक्चुअली, जब ये तो आप मेरे ख्याल से 7-8 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो जबकि BSNL नहीं नहीं अभी तो कोई तकलीफ नहीं है, कंपटीशन है। उस वक्त BSNL की सर्विस लॉन्च हुई थी, लोगों का बहुत क्रेज था, तो क्योंकि डिमांड ज़्यादा था, ट्रांसपेरेंसी, रिलायबिलिटी और क्वालिटी, उसमें BSNL जागरणीय है, मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है, तो उस समय डिमांड था और अभी भी डिमांड बहुत है, बट वी हैव टू अर्न द रेवेन्यू, तो है कार्ड प्लेंटी अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाद में आपसे पूछना चाहूंगा, ज्यादातर होता क्या कि दूसरी कंपनी वाले घर पे आ जाते हैं, ये ले लो ये ले लो, अब कोई आपकी सर्विस लेना चाहता है और लोग डर रहे हैं कि झंझट ज्यादा होगी, ये मांगेंगे वो मांगेंगे वो मांगेंगे जी, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे ग्राहकों को कि सर्विस कैसी मिलेगी? कोई भी आदमी चाहता है कि मुझे ब्रॉडबैंड चाहिए या 3G चाहिए। नहीं, सर्विस तो में देखिए कैसे आप उसको एंटरटेन करें, सर्विस में देखिए जैसे कि सर्विस में ऐसा है कि वी हैव गॉट अवर चैनल पार्टनर्स, तो दैट वॉज अर्लियर में भी कुछ जो परसेप्शन होगा कि सर्विस में डिफिकल्टी होती है, बट विद द कंपटीशन BSNL हैज इवॉल्व वेरी नाइसली, आवर टीम इज वेरी कॉम्पिटेंट, आवर पीपल आर वेरी वेरी कॉम्पिटेंट, वी हैव गॉट क्वाइट यंग ब्लड ऑल्सो, और केंद्र में चला जाए। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ आपको, हमने चैनल पार्टनर्स बनाए हुए हैं, जैसे कि हमारे डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स हैं जो कि डायरेक्ट सेल करते हैं, मोबाइल सर्विसेज के लिए हमारे फ्रेंचाइजी हैं, और हमारे काफ़ी मार्केटिंग पार्टनर्स अवेलेबल हैं, प्लस हमारी इनबिल्ट जो BSNL की खुद की जो है टीम, जैसे कि इसके लैंडलाइन के लिए उड़ान टीम है, जिसमें हमारे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जाते हैं, किसी को लैंडलाइन की जरूरत है या कोई भी डिमांड की जरूरत है, मोबाइल की भी जरूरत है, वो जाकर के उसका फॉर्म भरवाएंगे, कस्टमर से डॉक्यूमेंट लेंगे, कस्टमर को कहीं आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दैट कंसेप्ट हैव कम, यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सेवा में लगे हुए, बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे कि मोबाइल सर्विस है, जो हमारा रिटेल मैनेजर्स हैं सभी जगह, रिटेल मैनेजर सभी जगह मूव करते हैं, जो हमारे ऑफिस डिपार्टमेंट के हैं, और वो रिटेलर से मिलते हैं, भाई कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है, कोई इश्यूज हैं, और इमीडिएट डायरेक्ट इंटरेक्शन से ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। आपके जो कस्टमर केयर सेंटर है वहाँ आके भी लोग फॉर्म भर के ये सब? यस यस, देखिए आप कस्टमर केयर सेंटर है हमारे, जैसे पूरे बड़ौदा में 7-8 जगह कस्टमर केयर सेंटर है, सभी मेन एरियाज में, मेन एक्सचेंज बिल्डिंग्स में, और वहाँ पर आपको पूरा हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, हर एक फैसिलिटी बहुत ढंग से एक्सप्लेन करते हैं, वे प्रोवाइडेड ऑल कस्टमर इन्फॉर्मेशन, ऑल कस्टमर फैसिलिटी, और एम्बियंस भी उन सबका बहुत अच्छा हमने मेंटेन किया हुआ है। तो अगर कोई कस्टमर पर्सनली आकर के कुछ इंक्वायरी करना चाहता है, तो ही इज मोस्ट वेलकम टू कम टू अवर कस्टमर सर्विस सेंटर। बिल वगैरह भरने के लिए भी मैं कहना चाहूँगा जरूरत नहीं आने की, आजकल ऑनलाइन पेमेंट होता है, आप अपने क्रेडिट कार्ड वगैरह से भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, इवन 1% डिस्काउंट मिलता है अगर आप पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड से, बाकी कंपनी चार्ज करती है, BSNL 1% डिस्काउंट देता है बिल पे अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो मैं ये आपकी ओर से अपने दर्शकों को कह सकूं कि अब BSNL में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया सर्विस मिलेगी, यस, और यस। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं बिल्कुल, ये प्रॉमिस आप हमारे दर्शकों को, बिल्कुल बिल्कुल प्रॉमिस हमेशा रहेगा, क्योंकि हमारी तरफ से बिल्कुल हमारे एफर्ट्स रहेंगे, हमारी ट्राई रहेगी। और एक और चीज़ मैं इस अवसर पर बताना चाहूँगा, शायद रह गया है, वीडियो ओवर ब्रॉडबैंड सर्विसेज, ये हम रिसेंटली लॉन्च 8-10 दिन पहले लॉन्च किया है, और 1 अक्टूबर को हम लोग अनाउंस भी कर रहे हैं। तो ये वॉइस एंड वीडियो ओवर ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी, इसके अंदर क्या होगा, टेलीफोन लग जाएगा विद द स्क्रीन, ओके, तो आप उससे बात कर सकते हैं दूसरे अपने जो भी फ्रेंड है या अपने जो भी कस्टमर जो भी, और एक दूसरे को आप देख भी सकते हैं।
तो इट इज वेरी गुड फॉर योर कॉन्फिडेंस. आप जैसे कि अननेसरी ट्रांसपोर्ट वगैरह का, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया तो ट्रांसपोर्ट वगैरह के खर्चे की कोई जरूरत नहीं है. आप आराम से ऑफिस में बैठे बैठे आप आपस में बात कर सकते हैं. बॉस कैन कंट्रोल, यू कैन टॉक टू वेरियस ब्रांचेज थ्रू दिस बैठे बैठे, क्योंकि वो जो वॉइस एंड वीडियो ओवर ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी है उसके अंदर आपका वीडियो वगैरह सब आ जाएगा और उससे आप देख सकते हैं. इवन उसके थ्रू हमने इंटरनेशनल कॉल भी हैं जो कि 1.5 रुपये पर मिनट है, VoIP, वो भी हमने अलाउ किए हैं. तो वो इंटरनेशनल कॉल भी बहुत चीप हो जाएंगे. और स्टैटिक आईपी का भी एक और पॉइंट है कि जो आजकल हमारा 1000 रुपये के ऊपर, मिनिमम 1000 रुपीज़ पे एक स्टैटिक आईपी दे देते हैं. पहले बहुत हाई रेट थी बट इट इज़ नाउ वेरी कॉम्पिटिटिव. और आजकल जो नया कंसेप्ट आ रहा है कि एक सेंट्रल ऑफिस होता, 3-4 जगह आप कंट्रोल कर लेते क्या मूवमेंट हो रहा, जैसे कोई R&D ऑर्गेनाइजेशन है इधर, दूसरी जैसे चेन्नई में लैब में क्या हो रहा, या फिर जैसे कि टोल ब्रिज में किसी को सेंट्रली कंट्रोल करना कि टोल ब्रिज में अभी कितनी गाड़ियाँ पास हुई, कलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, तो उसके लिए जो CCTV का जो कंसेप्ट है और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का कंसेप्ट है, वो उसमें भी BSNL की सर्विसेज बहुत पॉपुलर हो रही है एंड एवरीबॉडी इज टेकिंग स्टैटिक आईपी फ्रॉम BSNL. हाँ सर, ये 1 तारीख को जी आपका हैप्पी बर्थडे है BSNL. या तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देंगे. धन्यवाद. और हम चाहेंगे कि आप बताएं कि BSNL और क्या करने जा रहा है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि आजकल का जो ज़माना है वॉइस वीडियो डेटा, और BSNL हर टेक्नोलॉजी में प्रेजेंट है. लैंडलाइन है, GSM टेक्नोलॉजी है, CDMA टेक्नोलॉजी है, उसके अलावा फाइबर टू होम, पूरे बड़ौदा में हमारा फाइबर नेटवर्क अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है. जिस बिल्डिंग में चाहिए, जिस सोसाइटी में चाहिए, हमें लीड इन केबल डालना, सम टेल से 50 मीटर, 100 मीटर, समथिंग लाइक दैट. जैसे मेन रोड में सब जगह अवेलेबल है हमारा फाइबर नेटवर्क, मल्टी फाइबर नेटवर्क. वो फाइबर में जो स्पीड मिलेगी दैट विल बी वंडरफुल स्पीड, दैट विल बी अनलिमिटेड. अगर आप कभी डेमो पे देखा है तो देखेंगे, तो अगर फाइबर कनेक्ट करते हैं लैपटॉप पे, आपको लगेगा TV खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी पे TV देखते रहें. क्योंकि आप TV का जो वीडियो होता है उसकी बहुत बड़ी साइज होती है, तो वो आप देखिए कोई बफरिंग नहीं होती है उसके अंदर, और बहुत ही स्मूथ चैनल आप देख सकते हैं. तो और स्पीड भी बहुत, फाइबर का अल्टीमेट है ये, फाइबर में अनलिमिटेड बैंडविड्थ होती है, फाइबर टेक्नोलॉजी अल्टीमेट टेक्नोलॉजी. थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने धन्यवाद हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी माहिती दी, आपका शुक्रिया. धन्यवाद.